पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती, अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जगाने की घटनाएं न होती, अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी, क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता, अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता, अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, पंजाब आतंकी आग में न जलता, अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जगाने की घटनाएं न होती, अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। करके जी, आपने भी एक घंटा बोला, और ले रहा था कोई क्या, लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आदरणीय सभापति जी, वन आवर सिक्स मिनट पद्धति नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही देश का विकास नहीं होने दिया, अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है, अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है, यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया। नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति जी, सिट डाउन। आदरणीय सभापति जी,
यहाँ पर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड विदाउट माई परमिशन। आदरणीय सभापति जी, विदाउट माई परमिशन नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एनी कमेंट। फेडरलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की। जरूरी भी है क्योंकि ये राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का ये सदन है, लेकिन सभी साथियों को आदरणीय सभापति जी, इस नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट इज परमिटेड बाय द चेयर। वॉट एवर इज परमिटेड बाय द चेयर विल ओनली गो ऑन रिकॉर्ड। नो कमेंट, नो नॉइस, नो डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। The Prime Minister is intervening. I have permitted it. It will only go on record. Ramdas ji, आप चिंता मत करिए। नहीं, आप चिंता मत करिए। जो जाना है वो जाएगा, आप क्यों चिंता करते? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, yes. That is your comment, ना? So let the people decide. Why we? When we speak, we don't bother about all this. धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा उनका मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही साल से शुरू होता है, हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है तो हमको 100 साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है तो हम 200 साल के इतिहास में ले जाते हैं। किसी को 200 साल से ज्यादा, हम 300 ले जाते हैं। अब जो 300 साढ़े 300 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका? और इतिहास तो बहुत बड़ा है, बड़े पहलू है, बड़े उतार चढ़ाव है और हम इतिहास के दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। यह हम अपना दायित्व समझते हैं और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है।